क्या आपको लगता है कि मॉनसून ने हमें इस बार निराश किया है? सुनिए पूरी कहानी। जब उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दी थी तो लगा जैसे भीषण गर्मी और हीटवेव से हमें राहत मिल गई है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ते ही उत्तर प्रदेश एक बार फिर से तपिश की चपेट में आ गया है। सोमवार को सिर्फ कुछ गिनेचने जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। तेज धूप ने सुबह से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और ऐसा लगता है कि गर्मी और उमस का यह दौर अभी जारी रहेगा। लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक कल से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा और कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, तो आपके छाते और रेनकोट फिर से तैयार रखिए। आइए जानते हैं आज किन जिलों में बारिश होने की उम्मीद है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और उनके आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में कुछ जिलों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। फुरसतगंज में 10 मिलीमीटर, बरेली में 25 मिलीमीटर और नजीबाबाद में 5 मिलीमीटर। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहा। तो आज का तापमान कैसा रहेगा? लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि अलीगढ़ में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर और हापुड़ जैसे जिलों में तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की मौसम की ताज़ा जानकारी।